वेलकम टू टॉकिंग पॉइंट रिव्यूज एंड मोहित बॉलीवुड स्पाई एंड क्या दिव्य सोल कामा। चलिए बात करते हैं आमिर खान करीना कपूर स्टार फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बारे में। अब राइट सिंस द ब्लैक एंड व्हाइट एरा हमारे यहाँ कई ऐसी फिल्में बनी है जो कि अनऑफिशियली या के ऑफिशियल अडेप्टेशन रही है किसी लैंडमार्क हॉलीवुड की फिल्मों की। ऑफकोर्स पुराने जमाने में तो अनऑफिशियल रीमेक्स ही होती थी, बट बदलते वक्त के साथ साथ ये रीमेक्स ऑफिशियल अडेप्टेशन का रूप लेने लग गई। आई गेस ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज एंड स्ट्रॉन्ग लॉसूट्स हमने स्टेप मॉम, द इटालियन जॉब, नाइट एंड डे, द फॉल्ट इन अवर स्टार्स, द गर्ल ऑन द ट्रेन, रन लोला रन, ये कुछ ऐसी हॉलीवुड की फिल्में जिन्हें हमारे यहाँ ऑफिशियल मैनर में रीमेक किया गया या अडेप्ट किया गया था। एंड द लेटेस्ट टू जॉइन द लिस्ट इज फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल अडेप्टेशन इन द फॉर्म ऑफ लाल सिंह चड्ढा। तो चलिए जानते हैं क्या लाल सिंह चड्ढा हमें एक अपने आप में राइट मैनर में एक परफेक्ट अडेप्टेड फिल्म देने में कामयाब होगी, या फिर ये भी बाकी की फिल्मों की तरह कंपैरिजन के बनते विल फेल टू डू द वंडर्स। लाल सिंह चड्ढा फिल्म की कहानी है लाल यानी कि आमिर खान की, जो कि अपनी मम्मी यानी कि मोना से बेहद प्यार करता है और बचपन से ही कई चीजों में थोड़ा स्लो है एंड लोगों से पीछे है। उसी दौरान उसकी मुलाकात होती है नन्ही सी रूपा यानी कि फ्यूचर में जाके जो करीना कपूर बनती है, एंड लाल को बचपन से ही रूपा से बे इंतहा मोहब्बत हो जाती है। वो चाहता है कि रूपा उससे शादी करे, लेकिन रूपा के कुछ और ही सपने। इसके बाद रूपा एंड लाल दोनों अपने अपने रास्ते पे निकल पड़ते हैं, लेकिन किस्मत दोनों को कई बार एक साथ लेकर आती है और उसके बाद जो होता है वही तो फिल्म की आगे की कहानी है। अब कहानी एज वी ऑल नो इज ऑफिशियल अडेप्टेशन ऑफ द क्लासिक हॉलीवुड फिल्म फॉरेस्ट गंप, और यहाँ पर उसे अच्छे तरीके से इंडियनाइज किया गया विद इंडियन हैपनिंग्स राइट फ्रॉम द इमरजेंसी टू असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी टू हिंदू मुस्लिम राइट्स टू कारगिल वॉर एंड मेनी सच इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इन शॉर्ट इट्स लाइक अ जर्नी ऑफ लाइफ ऑफ अ मैन, उसकी मदर, यू नो उनका करियर, उसके मोहब्बत एंड हमारी सोसाइटी जिसमें हम रहते हैं। दैट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ। अब फिल्म का फर्स्ट हाफ लाइट एंड काफी इंटरेस्टिंग है विद आमिर खान एंट्री स्पीच फॉलोड बाय हिज एंड करीना का जो एंटायर चाइल्डहुड ट्रैक। इस ट्रैक में जो बच्चा जो यंग आमिर खान बने ही सिंपली आउटस्टैंडिंग। ये पूरा ट्रैक काफी क्यूट है, लीडिंग टू शाहरुख खान कैमियो, आमिर रनिंग वाला पूरा ट्रैक जो कि बचपन से लेकर कॉलेज तक दिखाया गया है, लीडिंग टू आमिर एंड नागा चैतन्यज एंटायर ट्रैक इन द वॉर एंड आर्मी। ये सब सीन्स फिल्म के फर्स्ट हाफ को बढ़िया बनाते हैं और पूरे एफर्ट्स जो लाल सिंह चड्ढा में डाले गए वो सब यहाँ पे दिखाई देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नरेशन कई जगहों पे बीच बीच में थोड़ा सा डिप डाउन हो जाता है और कुछ सीन्स बिना वजह खींचे जाते हैं, जिसके बनते कई सीन्स जो कि इमोशनली लाजवाब है वो थोड़े से वर्बोस हो जाते हैं। कनेक्ट भी कई जगहों पे थोड़ा सा डिप डाउन हो जाता है। एक दो जगह पे स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े से ऑफ भी लगते हैं, स्पेशली यंग आमिर रनिंग वाला जो पूरा सीन है थोड़ा ऑड लगता है। थैंकफुली द सेकेंड हाफ थोड़ा सा यू नो इमोशनल एंगल पे चला जाता है एंड हैज मोर मेरिट्स टू चेरिश। आमिर का पूरा अंडरगार्मेंट वाला जो पूरा ट्रैक है वो मेकिंग वाला ट्रैक, उनका और मानव विच का पूरा ट्रैक ही काफी इंटरेस्टिंग है, फॉलोड बाय द एंटायर रनिंग वाला ट्रैक लीडिंग टू द फिनाले सीन्स एंड ऑफ कोर्स आमिर स्पीच इन द एंड। जहां फर्स्ट हाफ इंटरेस्टिंग एंड यू नो इंट्रीगिंग है, वही सेकंड हाफ हैज मोर इमोशनल क्वेश्चन। कुछ इमोशनल सीन्स आपको यू नो मूव भी करेंगे, बट अगेन द प्रॉब्लम इज लेंथ ऑफ द फिल्म। इट्स ऑलमोस्ट 3 घंटे वाली फिल्म एंड अगेन सेकेंड हाफ में भी फिल्म कई जगहों पे खींचती है, थोड़ी सी लंबी लगती है, काफी कुछ कन्वीनियंटली दिखाया गया है विद कपल ऑफ स्टफ्स अनएक्सप्लेन। बट जैसे कि मैंने बताया फिल्म में काफी कुछ है टू चेरिश। इफ लेंथ इज नॉट एन इश्यू फॉर यू देन देर आर मेनी अमेजिंग स्टफ्स फॉर यू टू चेरिश इन दिस फिल्म। कुछ डायलॉग्स है जो कि दिल को छू लेने वाले। लोकेशंस इन सेकंड हाफ आर सुपर्ब एंड मेक्स द फिल्म लुक लाइक ऑल दोस ग्रैंड फिल्म्स फ्रॉम आमिर खान। अब म्यूजिक की बात करेंगे तो कहानी इज अ सोलफुल सॉन्ग एंड काफी बढ़िया गाना है। मैं की करा शेयर्स द केमिस्ट्री बिटवीन यंग आमिर एंड यंग करीना लीडिंग टू द एडल्ट्स एंड काफी प्यारा गाना है एंड साथ ही हार्टफेल्ट टू। फिर ना ऐसी रात इज ऑल्सो वेरी गुड सॉन्ग। इनके अलावा बाकी के सॉन्ग्स गोज वेल विद द फ्लो ऑफ द फिल्म। बैकग्राउंड म्यूजिक सूदिंग है। इन शॉर्ट म्यूजिक वाइज फिल्म में बहुत कमाल के दिल को छू लेने वाले गाने हैं। अब डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्टर के पास एक सुपर अपॉर्चुनिटी थी टू मेक इट एन आउट क्लासिक फिल्म। वो काफी जगह पे कामयाब होते हैं बट पेस एंड कनेक्ट एंड लेंथ में मार खा जाते हैं, जिससे फिल्म कई जगहों पे थोड़ी सी लंबी लगती है, ड्रैगिंग लगती है एंड कनेक्ट भी छूट जाता है। बट फुल मार्क्स टू द डायरेक्टर टू गेट द रियलिज्म फ्रॉम हिज कैरेक्टर। ऑल्सो ये एक बड़े पर्दे वाली फिल्म है, नॉट ओटीटी वाली फिल्म। यू नो वैसे भी 6 महीने तक ये फिल्म ओटीटी पे नहीं देखने मिलेगी। सो एज आई सेड इफ लेंथ इज नॉट एन इश्यू एंड पेस इज नॉट एन इश्यू फॉर यू देन डू वॉच दिस मूवी ऑन बिग स्क्रीन। और परफॉर्मेंसेस की बात करेंगे तो आमिर खान डज वन मोर एस परफॉर्मेंस। इनफैक्ट जस्ट लाइक पी के दंगल जैसी फिल्मों की तरह ही कैरीज द एंटायर फिल्म
ऑन स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स. उनकी आंखों में जो वो इनोसेंस लेकर आते हैं वो काफी कमाल का है. हाँ, कुछ जगह पे थोड़ा सा ओवरबोर्ड भी हो जाते हैं, बट ओवरऑल ही डज हिज पार्ट विद टोटल ग्रेस. करीना कपूर एंड आमिर के कुछ सीन्स बहुत बढ़िया है, बट उसके अलावा करीना का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा हाफ बेक है, नीडेड मोर डेप्थ इन द फिल्म. मोना सिंह इज फाइन इन अ पार्ट. नागा चैतन्य का ट्रैक अच्छा है, बट वन डिड एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम हिम. थोड़ा सा रिपीटेटिव भी बन जाता है. मानव विच कुछ सीन्स में बढ़िया है, बट बाकी के सीन्स में थोड़े से बोरिंग. द किड हू प्लेड यंग आमिर इज फैंटास्टिक टू अनदर लेवल. शाहरुख का कैमियो इंटरेस्टिंग है. सो ऑन एन ओवरऑल बेसिस पे लाल सिंह चड्ढा इज अ सागा ऑफ इमोशंस एंड ह्यूमैनिटी. एक ठहराव वाली फिल्म है जो कि पीपल हु लव क्वालिटी सिनेमा विल लाइक इट डिस्पाइट ऑफ इट्स लेंथ एंड पेस. बाकी के लोगों के लिए द एंटरटेनमेंट क्वोशेंट माइट बी बिट लो एंड द लेंथ विल अफेक्ट देम अ लॉट, बट पोस्ट कोविड के बाद एक बड़ी फिल्म एंड सो मेनी एफर्ट्स के बनते आई विल गो विद 3 stars. But for Aamir Khan's hard work, efforts and guts to make such difficult film, it's a 3.5 star wali film. So all you Aamir Khan, Kareena Kapoor fans, do watch this film and dekhkar hame bataiye kaisi lagi ye film. Milte hain jald ek aur Hindi film ke review ke saath, only on Talking Point Reviews and more with the Bollywood Spy, yani ki RJ Divya, Soul Gama.